आफताब, क्या हो गया आपको? आपके इस तरह टहलने से वो ठीक होकर वापस तो नहीं आ जाएगी ना? कमाल कर रही हो तुम, लड़की बेहोश होके गिरी है। मुझे तो फिक्र है कोई बात सीरियस ना हो। अगर उसको कुछ हो गया तो रोज़े मैशर उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? चांद और फलक है ना उसके पास, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाली वो हमारी। भाई मेरा मतलब है कुछ नहीं होगा उसे। ये सोया चला जाऊं? बेगैरत मनहूस, जरा शर्म नहीं तेरे अंदर? बहन घर से बाहर है और तुझे नींद आ रही है। हार वो रहा है और जिल्लत में सौंप। बेबी डोंट क्राई, टेक्स टाइम। सितारा को फिर कुछ हो जाएगा, तुम तब चली जाना। अपना हार्ट स्मॉल ना करो। मामा, सब मुझे छोड़ के चले गए हैं। उस हीर को तो मैं मुंह नोच लूंगी। उसने खाट का दरवाजा मेरे मुंह में बंद कर दिया। तुम ही कहीं एडजस्ट हो जाते। मेरा ब्लड प्रेशर ये बात करके आप और हाई कर रही हैं मामा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। बेबी, how you blame put on me? किसने कहा था आपको जलने को? थोड़ा बर्दाश्त कर लेती आप? सब लोग वहाँ पे मजे कर रहे होंगे चांद के साथ, और मैं यहाँ। मेरा चांद। Oh my God. कैसी है सितारा? अबू, सितारा की तबीयत बहुत खराब है। इसे कुछ नहीं हो सकता। बीपी लो था इसका, खून की भी कमी थी। डॉक्टर ने कहा इसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। जाओ सुला दो इसे ऊपर जाकर। वैसे डॉक्टर तो कुछ भी कह देते, ऐसे कैसे खून की कमी हो सकती है? और इस उम्र में खून की कमी होती किसे? अब होनी चाहिए तो हमें होनी चाहिए खून की कमी। ना कुछ खाया जाता ना पिया जाता है। अब मेरे ख्याल से तुम इसको आराम करने दो मेहताब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस हो गया जारी बाप बेटे का फरमान। डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो मिल गया मैडम के लिए। हाँ हाँ, जाओ दवा देके इसे फलक ऊपर जाकर लिटा दो। सुबह तक ठीक हो जाएगी, घर का काम करेगी तो बीपी भी सही हो जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आज मैं थक गई हूँ। हाँ सारा, इस सितारा का इलाज तो तू नहीं किया था ना? हम तो सिर्फ क्लिनिक एसी की हवा खाने गए थे। तुम ज्यादा जलो नहीं, और थे चांद ने मैनू ज्यादा वाक्या दे दिया। तुम तो जल के खाक हो गई हो। अबे जले मेरी जूती। चांद, आपने मुझे ज्यादा वक्त दिया था ना, ये जल रही है मुझसे। हीर, हीर। Not right now. अभी नहीं, प्लीज। चांद, तेरी वजह से गया है चांद। कर दिया ना तूने नाराज। तूने किया नाराज। जानती हूँ मैं ये सारे बहाने, सबको बेवकूफ बना सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं। क्यों गई थी हॉस्पिटल? मामानी, मैं मेडिसिन तो ले रही थी पर पता नहीं कैसे चक्कर आ गए। अच्छा मैं बताती हूँ कैसे आए थे चक्कर। दरअसल तुमने ये गुण ना अपनी माँ से सीखे। बस जैसे ही देखा कि मामू खुश हैं, लहरा कर गिर गई। बस कर दो बीबी ये तमाशे, बस कर दो। सॉरी मामानी, मैं अभी काम देख लेती हूँ और आइंदा नहीं होगा ये। ख्याल रखो, अच्छी तरह जानती हूँ ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं तुम्हारी। नहीं मामानी, नहीं नहीं, क्या इतने कपड़े रखे हुए, धो जाकर सबके कपड़े जमा हुए हैं, और अब एक भी बहाना नहीं सुनूंगी मैं। ठीक।